तमाम अधिवक्ता जो है गाजियाबाद की घटना को लेकर अलीगढ़ में प्रदर्शन करते हुए नजर आए, सड़कों पर बैठकर न्यायालय परिसर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे जिस तरह की घटना हुई गाजियाबाद में, तो अलीगढ़ में इसका किस तरह का असर है। देखिए, गाजियाबाद में घटना जो हुई दिवाली से हम पहले, दिल बहुत दुखी हुआ और दिल दुखी है, इसलिए आज तक लगातार आज तक हम लोग काम पर नहीं लौटे हैं। कलम बंद हड़ताल है, बिल्कुल अपने बॉल पेन जेब में रख लिए। आप कचहरी में अंदर जाकर देखेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस के अंदर एक भी वकील काम नहीं कर रहा है। आप देखिए मेरे पीछे सारे वकील धड़कते हैं, धरना दे रहे हैं। अभी हम लोग जिला जो डीएम होते हैं उनकी कोर्ट से भी लौटे हैं, वहां भी हमने देखा तो वकील काम तो नहीं कर रहे हैं। पूरे अलीगढ़ के वकीलों में एकजुटता है, अलीगढ़ के वकील एकजुट होकर के इस पूरे जो भी कुछ हुआ घटनाक्रम इसके विरोध में अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। मसला साफ है, हापुड़ कांड में हमारे वकीलों को सड़कों पर पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। अब गाजियाबाद में देखिए पुलिस न्यायालय कक्ष के, जो न्याय का मंदिर होता है न्यायालय कक्ष के अंदर हमारे वकीलों को पुलिस जो डंडों से पीटती है, कुर्सियों से पीटती है। आखिर वकील कब तक पिटेगा? हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है समाज की आवाज को उठाने की, हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है समाज के गरीब वंचित तबके को न्याय इंसाफ दिलाने की, और आज हम लोग खुद याची की भूमिका में आ गए, फरियाद कर रहे हैं। हमारी हाईकोर्ट से मांग है, हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है, हमारी सरकार से भी मांग है कि जो भी दोषी है उन पर तत्काल रूप से कार्रवाई हो, जो दोषी है उनको बर्खास्त किया जाए, जो वकील घायल हुए हैं उनका इलाज करवाया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। जी बिल्कुल। कब तक चलेगा ये, क्योंकि तमाम दिन हो गए इस प्रदर्शन को, अब ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, तो अभी कब तक चलेगा? मैं इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सुधीर कुमार शर्मा मेरा नाम है। हमने गाजियाबाद के अधिवक्ताओं को अपना समर्थन दिया है और ये जब तक चलेगा जब तक कि हमें पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल सकता, जिला जज अनिल कुमार जी का निलंबन नहीं हो जाता और जो भी दोषी और पीड़ित अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनको सजा नहीं मिलती, उनका निलंबित नहीं किया जाता और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाता, और जितने भी पीड़ित और घायल हैं उन लोगों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती, और संपूर्ण भारतवर्ष में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी नहीं किया जाता, तब तक हमारा धरना हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनिश्चितकालीन रूप से चल रहा है और चलेगा। ये बताइए, जिस तरह से आप धरने की बात कर रहे हैं तो लगातार तमाम बार देखा गया है अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की सलूकी होती है, कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी महसूस नहीं कर पाते आप? कमी तो पूरी तरीके से महसूस हो ही रही है और कमी भी है, इसमें सरकार भी दोषी है और प्रशासन भी दोषी है और जुडिशरी भी दोषी है, और इस सब को सुधारने के लिए वकीलों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा और वकीलों को ही लड़ना पड़ेगा। जब तक हमारा प्रोटेक्शन एक्ट जारी नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े हम हर समय हर पल इसके लिए तैयार है। प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात कही जाए तो लगभग कब से ये मांग चल रही है और ये पूरी न होने की वजह क्या है? देखिए, ये मांग सालों पुरानी है और दिल्ली जो पास का जिला है, पास का स्टेट है हमारा, राजस्थान जो पास का स्टेट है वहां पर ये लागू भी हो चुका है। हमारी मांग भी बहुत पुरानी है क्योंकि आप अपराध के स्तर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली और राजस्थान से बहुत आगे है अपराध के मामलों में। जहां पर एक छोटी सी कोई बात होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्डोजर चलवा करके मकान गिरवा देते हैं अपराधियों का, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अफसोस की बात है कि अधिवक्ताओं की पीड़ा उनके कानों तक नहीं पहुंचती है, अधिवक्ताओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है उनके कानों तक नहीं पहुंचती है, और उनके कार्यकाल में पुलिस जो है इतनी निरंकुश हो गई है कि जो समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, जो समाज के प्रहरी हैं, जो न्याय के मंदिरों में काम करते हैं, अधिवक्ता जिनको कहते हैं, उनको पुलिस उनका सिपाही हो चाहे सीओ हो उनको बेरहम तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, खेत का विषय है। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, सरकार का किस तरह की मंशा है? देखिए, सरकार की मंशा मुझे लगता है कि वकीलों के हित में तो नहीं है, क्योंकि हापुड़ कांड से आज 1 वर्ष होने को है कमेटी गठित हुई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने के लिए, उसका आज तक मुझे लगता है ड्राफ्ट भी पब्लिश नहीं हुआ है। 1 वर्ष में अगर सरकार इतना भी नहीं कर पाई तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कर पाएगी या करना चाहेगी, मुझे उनकी मंशा पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। और देखिए, सरकारों ने हमेशा वकीलों को कमजोर किया है, जबकि वकील की भागीदारी आजादी से लेकर के समाज निर्माण और देश निर्माण में किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सरकारों ने हमेशा वकीलों को कमजोर किया है, चाहे वो फैमिली कोर्ट एक्ट हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो या अन्य मामले हो, उन्होंने सीधे सीधे आम आदमी को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। सब वकीलों को ऐसा लगता है कि दोयम दर्जे का नागरिक को उन्होंने समझा हुआ है। क्या कहेंगे वकीलों की अगर बात कही जाए तो साफ तौर पर वकीलों का जो बायलॉ जो उसमें लिखा हुआ है कि वकील जो है अपनी वकीलात को छोड़कर कोई और काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक ही काम को करने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है अधिवक्ता,
लेकिन फिर भी उसके साथ ज्यादती होती है, तो कहीं ना कहीं किस तरह का जो आज की परंपरा उसको लेकर क्या समझते हैं? देखिए, ये अधिवक्ताओं के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में कहा कि जो एडवोकेट है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होंगे। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की परिभाषा में जज भी आते हैं, न्यायालय में काम करने वाले कर्मचारी भी आते हैं, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की जो परिभाषा है उसमें एडवोकेट्स भी आते हैं। लेकिन अब उसको आप वास्तविकता में धरातल पर देखिए, जो जज है उनका प्रोटोकॉल क्या है, जो उनके जो कर्मचारी हैं उनका प्रोटोकॉल क्या है, और अधिवक्ताओं की हैसियत आप देख रहे हैं, सड़कों पर एक पुलिस वाला तक उनको डंडा मार देता है, तो स्थिति बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट कहता है हम एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, कितने भी एडवोकेट्स हैं, लेकिन स्थिति इतनी उलट है और सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं लेता। अब देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि एडवोकेट जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होंगे, उसकी सीधी सीधी अवमानना का भी विषय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया है, अफसोस का विषय। अधिवक्ताओं का अगला स्टेप क्या रहेगा? सड़कों पर तो उतर ही चुके हैं, क्या कहेंगे? सड़कों पर तो उतर ही चुके हैं तमाम अधिवक्ता, अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप जैसे हमारी गाजियाबाद ब्रांच कुछ कहती है कि हमें अगर आगे हड़ताल जारी रखनी है तो हमारी हड़ताल आगे जारी रहेगी, और मैं सरकार से एक विनती करूंगा कि हमारे अधिवक्ताओं के लिए जो एक्ट की मांग हमेशा से चली आ रही है उसे जल्दी से लागू करें। अगर हमारे देश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत उन्होंने आज तक बहुत ही निर्णय अच्छे लिए हैं, तो उनसे हम ये उम्मीद रखेंगे कि हमारा ये निर्णय है अधिवक्ता एक्ट लागू की जाए। जी बिल्कुल, अधिवक्ता एक्ट लागू होनी चाहिए, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है। सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये वो तस्वीर है न्यायालय परिसर अलीगढ़ के बाहर की, जहां तमाम अधिवक्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जिला सत्र न्यायालय अलीगढ़ के बाहर का ये मंजर है, जहां पर तमाम अधिवक्ता जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर बैठकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है जिस तरह से लगातार अधिवक्ताओं के साथ ज्यादती की जा रही है, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के साथ जो लंबे समय से उत्पीड़न हो रहा है उनका, उस पर रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अधिवक्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे, और प्रदर्शन अधिवक्ता कर भी रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है गाजियाबाद की जो घटना हुई है उससे पहले हापुड़ में भी एक घटना हुई थी, तमाम घटनाएं हर रोज होती है, लगाम लग क्यों नहीं पा रही, लगाम की वजह क्या है, लगाम क्यों नहीं लग पा रही? लगाम इसलिए नहीं लग पा रही कि शासन और प्रशासन पूरा भ्रष्ट है, उसमें जुडिशरी भी शामिल हो गई है, राजनेता भी शामिल है, तो कोई किसी पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है। असली बात यह है भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी जुडिशरी और पूरा शासन प्रशासन की आप बात करें, जीरो टॉलरेंस की बात चल रही थी, क्या सटीक साबित हो पाई है जमीनी स्तर पर? कहां जमीनी स्तर साबित हो पाई है, कमीशन पहले से और दूसरा बढ़ गया, 10% की जगह 20% हो गया, तमाम भ्रष्टाचार में जो है पूरी पूरी गोती आ रही है। अयोध्या का आपका उदाहरण आपके सामने, 20,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, सारी गड्ढों सड़कों में 6-6 फुट के गड्ढे हो गए, तो कहां भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? भ्रष्टाचार तो बढ़ता जा रहा है, तमाम जुडिशरी के अंदर भ्रष्टाचार पनपा हुआ है जो है, कहां उसके ऊपर टॉलरेंस लिया जा रहा है? हाईकोर्ट कौन सीसीटीवी कैमरे लगवा रहा, देखे क्या जज कर रहे हैं जो है, क्यों नहीं फैसले हो रहे जो है, 12 बजे की जगह 2 बजे जज बैठते हैं, 10 बजे की जगह और 4 बजे उठ जाते हैं, कहां न्याय मिल रहा है? जनता को वैसे धोखा दिया जा रहा है इसमें, सस्ते न्याय के नाम पर जो है तमाम संस्था में ढाल रखा है। जिम्मेदार इसके लिए सत्ता जिम्मेदार है, सत्ता के नुमाइंदे तो चुने जाते हैं, सत्ता हाईकोर्ट चुनती है, सत्ता सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनती है कॉलेजियम बना के जो है, और उनके द्वारा ये नीचे के जो अपॉइंट होते हैं जो है, तो जो चुनने वाले हैं वही तो भ्रष्टाचार के लिए दोषी है। तमाम जो है अधिवक्ता जो है वो पूरे तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और साथ ही नाराजगी भी उनके द्वारा व्यक्त की जा रही है। अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह प्रदर्शन आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी अलीगढ़।